सोए हुए को जगाया जा सकता है, पर जगे हुए को कैसे जगाया जाए, कुछ समझे आप? देखो 2 जून 2023 और 4 मई 2023 यानी दिन बचे 29 और अब तक ना फिल्म का कोई मोशन पोस्टर आया, ना ही ट्रेलर और ना ही टीजर, और तो और ना कोई फिल्म की अपडेट। और हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर हुआ है जिसमें फाइटिंग सीन नजर आ रहा है और इस सीन को जवान का लीक सीन बोलकर बेचा जा रहा है। यानी साफ है जवान के मेकर्स को उठाओ और बोलो गुड मॉर्निंग सर, फिल्म की रिलीज डेट सर पर ही है, तो फिल्म का टीजर या ट्रेलर कुछ तो रिलीज करो, पर जैसे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। आज ही जवान फिल्म के मेकर पता नहीं कौन सी नई स्ट्रेटजी अपनाने वाले अपनी फिल्म जवान के लिए, यही सोच रहे हो ना, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म जवान 2 जून को थिएटर में रिलीज नहीं की जाएगी। तो बस अब हमें और इंतजार करना पड़ेगा शाहरुख खान की मच्छर वाली लुक देखने के लिए जो हमें अनाउंसमेंट वीडियो में दिखाई गई थी। तो अगर 2 जून को शाहरुख खान की फिल्म जवान रिलीज नहीं की जाएगी तो इसका सारा फायदा किस फिल्म को मिलेगा? आदिपुरुष को। हाँ जी, प्रभास की फिल्म आदिपुरुष जो कि 16 जून को थिएटर में रिलीज की जाएगी, और इस फिल्म के मेकर ने यह भी अनाउंसमेंट कर दिया कि इस फिल्म का ट्रेलर 9 मई को रिलीज किया जाएगा। लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले 8 मई को फैंस को स्पेशल स्क्रीनिंग कराई जाएगी ट्रेलर के लिए, और वो भी कुछ सिलेक्टेड थिएटरों में। और अगर फैंस को ये ट्रेलर अच्छा लगा तो ये फिल्म आरआर और बाहुबली के रिकॉर्ड को आराम से क्रॉस कर लेगी हंसते हंसते, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हमें थ्रिलर फिल्म देखने को मिल रही है जिसकी लिमिटेड ऑडियंस होती है, लेकिन आदिपुरुष जो हमारे रामायण पर आधारित होने वाली, जिसे सभी पब्लिक यानी बूढ़े बच्चे जवान सभी इस फिल्म को देखने जाएंगे, तो इस फिल्म का रिकॉर्ड बनाना तय है। और उसका पूरा क्रेडिट जाता है शाहरुख खान को, थैंक्स शाहरुख खान, जो उसकी फिल्म पोस्टपोन हो गई, जिसका पूरा फायदा आदिपुरुष को मिलने वाला है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आदिपुरुष के ट्रेलर पे। अगर आदिपुरुष का ट्रेलर 10-20% लोगों को भी पसंद आता है तो आप तैयार हो जाओ, प्रभास इंडिया क्या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनकर बाहर निकलेगा, और ये लिख कर ले लो आप, क्योंकि ये फिल्म हमारे गोल्डन चैप्टर रामायण पर आधारित है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा आदिपुरुष को। और दूसरी इनकी सोची समझी की स्ट्रेटजी जो ट्रेलर के रिलीज होने के एक दिन पहले फैंस को स्क्रीनिंग कराई जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा फायदा जवान के पोस्टपोन होने का, आदिपुरुष का सबसे बड़ा कांटा जवान जिसको आदिपुरुष ने निकालकर साइड फेंक दिया। और इस फिल्म में प्रभास की वॉइस को हिंदी में डब करने वाले हैं शरद केलकर, जिन्होंने बाहुबली में प्रभास की वॉइस को हिंदी में डब करके उनके कैरेक्टर को और भी सॉलिड बनाया था। तो बस अब रेडी है आदिपुरुष पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ थिएटर में रिलीज होने के लिए, और इस फिल्म के ट्रेलर को 9 मई को रिलीज किया जाएगा। तो बस अब देखना ये होगा कि क्या आदिपुरुष के मेकर्स की ये स्ट्रेटजी काम कर पाएगी, या फिर एक बार फिर से आदिपुरुष को कार्टून शो बोला जाएगा। आगे की जिम्मेदारी मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आदिपुरुष का क्या फ्यूचर होगा, मुझे कमेंट करके बताओ। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।